वेलकम बैक वन सेकेंड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास सेवन चैप्टर नंबर सेवन। चैप्टर नेम है मोर ऑन एस्टीमेट। चैप्टर का नाम मोर ऑन एस्टीमेट है। बुक है साइबर क्विस्ट चैप्टर सेवन, याद रखेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स टू फॉल एमसीक्यू क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, साथ ही साथ क्वेश्चन सर्व भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और साथ ही साथ आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में इमेज है, लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट और बॉर्डर स्पेसिंग रिवर्स, इन सब को यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो चलिए, फर्स्ट है, ए ब्लैंक इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ए प्रिसाइज मैनर। एक सिस्टम, एक सिक्वेंस में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने को क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट करने को लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिस्ट कहा जाता है। सेकंड है, एंड ब्लैंक इज लिस्ट इन इंडेंट ईच आइटम इन द लिस्ट एंड एड्स ए बुलेट अगेंस्ट ईच आइटम। तो इसमें किसी भी लिस्ट जब आप तैयार करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ बुलेट लिस्ट में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बुलेट लिस्ट, मतलब कि इस तरह का डिस्क होता है या तो स्क्वायर में इस तरह का लिस्ट बनाया जाता है। किसी भी नाम दे, जैसे एप्पल लिख रहे हैं, एप्पल लिख रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर नहीं होकर कोई सिंबल होता है, तो ये इस फॉर्म को कहा जाता है बुलेट। तो यहाँ पे इस बुलेट जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को रिप्रेजेंट हम लोग जो एस्टिमेट में करते हैं वो अनऑर्डर में करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में। थर्ड है, द ब्लैंक प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द एडजेसेंट सेल इन द टेबल। एक टेबल के अंदर जो बॉर्डर का स्पेस जो के बीच होता है वो किस प्रॉपर्टी को यूज करके स्पेसिफाई किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग। फोर्थ है, फोर्थ नंबर है, द ब्लैंक एट्रीब्यूट ऑफ द ओल्ड टैग पुट्स द लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ करके डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ओल्ड टैग के यूज़ करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं? तो रिवर्स, इसका ऑप्शन आंसर होगा रिवर्स। स्पेलिंग आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, आर ई वी ई आर एस ई डी, रिवर्स। फाइव नंबर है, इमेज कैन बी एडेड टू द एस्टीमेट डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ द विच टैग। कौन से टैग के यूज़ करके आप एस्टीमेल के अंदर डॉक्यूमेंट जो एस्टीमेट जो डॉक्यूमेंट बनाए उसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हो? तो इसमें आंसर जो होगा, यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं आई एम जी, टैग का यूज़ करके आप जो है एस्टीमेल डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट टी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। एन ऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट विथ नंबर जीरो। ऑर्डर लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। ऑर्डर लिस्ट जब भी स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली वन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका क्या होगा? फॉल्स। सेकंड है, द अल्ट एट्रीब्यूट लेट्स यू स्पेसिफाई द टेक्स्ट एज एन अल्टरनेट टू इमेज। जब आप कोई भी एस्टिमेट प्रोग्राम बनाते हैं इमेज का, तो इमेज में कभी कभी होता है ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है, तो उस टाइम क्या होता है आपका जो आउटपुट जो आता है इमेज का इस तरह से छोटा ही सिंबल बना हुआ आता है। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं, उस इस इमेज का मान ली सपोज दैट ताजमहल का पिक्चर था लेकिन इमेज नहीं आया, तो लेकिन यहाँ पर आप चाहते हैं कि यूज़र को आप ताजमहल बताए कि यहाँ पे जो पिक्चर है वो इमेज है वो ताजमहल का है, तो अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके स्पेसिफाइड टेक्स्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। थर्ड है, द टी आर टैग इज ऑलवेज यूज इन साइड द रो और टैग। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि टी डी के अंदर में टी आर को यूज नहीं किया जाता है, टी आर के अंदर में टी डी को यूज किया जाता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। फोर्थ है, द टैग टी डी इज यूज टू डिफाइन द ये डी टी, यहाँ पर आपका ये डी टी है, टी डी नहीं है, डी टी। द टैग डी डी इज यूज टू डिफाइन द टर्म और नेम। जो डी टी टैग जो होता है वो टर्म और नेम को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिफ्थ नंबर, द लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर दैट विल बी यूज एज ए बुलेट। द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी जो स्पेसिफाई करता है लिस्ट आइटम मार्कर जो बुलेट फॉर्म में, ये बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर टी होगा, ट्रू हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन।
मानस हैज क्रिएटेड अ टेबल, ही वांट्स दैट द टेबल प्रोडक्ट शुड बी कोलैप्स इनटू अ सिंगल बॉर्डर, विच प्रॉपर्टी शुड ही यूज। मानस को एक टेबल क्रिएट करना है जो वह चाहता है कि टेबल बॉर्डर शुड बी कोलैप्स इन ए सिंगल बॉर्डर, एक सिंगल बॉर्डर के अंदर सारे जो कोलैप्स कर जाए, तो विच प्रॉपर्टी शुड ही यूज। इसके लिए इसका जो आंसर होगा कोलैप्स आंसर हो जाएगा ही, आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं ही शुड यूज कोलैप्स प्रॉपर्टी, COLLAPSE कोलैप्स प्रॉपर्टी। आप आंसर इसे लिखेंगे ही शुड यूज कोलैप्स COLLAPSE कोलैप्स प्रॉपर्टी, PROPERTY वही कोलैप्स प्रॉपर्टी के यूज करके वो क्या कर सकते हैं इनटू ए सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अमिता हैज एडेड फ्यू इमेज ऑन हर वेब पेज बट शी वांट्स टू कीप सम प्रोविजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल और यूजर टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर सो दैट दे गेट द डिस्क्रिप्शन फॉर द इमेज, विच एट्रीब्यूट शुड शी यूज टू अकॉम्प्लिश द टास्क। यहाँ पे आप इसको ये अस्मिता जो है कुछ इमेज जो है एडिट किए हैं वेब पेज पर, बट क्या है शी वांट्स टू कीप सम प्रोविजन फॉर द विजुअली impaired people or user text based browser so that they get the description for the image, which attribute should she use to accomplish the task। कहना है कि अस्मिता जो है एक कुछ इमेज जो एडिट किए हैं और उस पेज पे, बट शी वॉन्ट टू कीप सम प्रोविजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल और यूजर टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर, मतलब यूज़र के पास जो है ब्राउजर जो है टेक्स्ट बेस है, वो पिक्चर डिस्प्ले नहीं होता ओनली टेक्स्ट, तो सो दैट दे गेट द डिस्क्रिप्शन फॉर द इमेज, विच एटीब्यूट शुड यूज टू अकम्प्लिश द टास्क, इस टास्क को कम्प्लीट करने के लिए फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, ऐसे सिचुएशन में कौन सा टैग यूज करना चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना चाहिए, तो एट्रीब्यूट होगा अल्ट एट्रीब्यूट यूज करके वो इस टास्क को परफॉर्म कर सकती है। अनऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज द अनऑर्डर लिस्ट जो है किस दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बुलेटेड, सेकंड नंबर और थर्ड है मल्टी लेवल। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो अनऑर्डर लिस्ट जो दूसरे नाम से जाना जाता है इसका राइट आंसर बुलेट। अगर आपको आंसर आता है हमें कॉमेंट बॉक्स में हमसे जवाब मेरे जवाब देने से पहले आप कॉमेंट बॉक्स में पहले जवाब दे दें कि अनऑर्डर लिस्ट का दूसरा नाम क्या होता है। बाई डिफॉल्ट द ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ, बाई डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट जो है किस नंबर से स्टार्ट होता है या लेटर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट है ऑप्शन ए कैपिटल, सेकंड वन, थर्ड है ऑप्शन स्मॉल लेटर ए लोअर केस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाई डिफॉल्ट जो है ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होता है वन। थर्ड है विथ द ब्लैंक प्रॉपर्टी यू कैन स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर, लिस्ट आइटम मार्कर का पोजिशन को स्पाई किस प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं आप, फर्स्ट ऑप्शन है लिस्ट स्टाइल पोजिशन, थर्ड है लिस्ट स्टाइल प्लेस और थर्ड है लिस्ट पोजिशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लिस्ट स्टाइल पोजिशन इज राइट आंसर इसका होगा। फोर्थ है इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट में द ब्लैंक विच टैग हेल्प से इन डिस्क्राइबिंग विच इस टर्म और नेम, किस टैग के यूज़ करके आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं टर्म और या नेम को, तो फर्स्ट ऑप्शन है 21 में इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट में फर्स्ट ऑप्शन है DL, सेकंड DD और थर्ड है DL, इसका राइट आंसर हो जाएगा DD। फिफ्थ नंबर द ब्लैंक विच प्रॉपर्टी हेल्प से स्पेसिफाइंग द प्लेसमेंट ऑफ ए टेबल कैप्शन, फर्स्ट है कैप्शन स्टाइल, सेकंड कैप्शन प्लेस और थर्ड है कैप्शन स्लाइड, इसका राइट आंसर होगा कैप्शन स्लाइड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डिफरेंस बिटवीन यूएल एंड ओएल टैग, ओएल और यूएल टैग में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है द ओएल टैग इज यूज टू डिफाइन ए सिक्वेंसली अरेंज और नंबर लिस्ट ऑफ आइटम, किसी भी आइटम का या तो नंबर से या तो लेटर से असेंडिंग लिस्ट बनाया जाता है सिक्वेंस में,
या तो नंबर, ये रोमन नंबर में भी हो सकता है या वन टू में भी हो सकता है, या ए बी सी डी स्मॉल लेटर लोअर केस या अपर केस में होता है। यू एल टैग यूज टू डिफाइन एन अनऑर्डर लिस्ट और बुलेट लिस्ट में होता है। बुलेट लिस्ट का मतलब सर्कल में होगा इस तरह से, या तो स्क्वायर में, और या तो इस तरह से डिस्क में होगा इस तरह। सेकंड है एल ओएल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डर लिस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर लिस्ट। थर्ड है बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट विथ वन, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट विथ सर्किल, ये डिस्क होता है। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट विथ, यहाँ पर आप जो है डिस्क रखेंगे, बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट विथ डिस्क, स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ डी आई एस सी डिस्क, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट विथ डिस्क। डिस्क यहाँ पे लिख लेंगे, सर्किल नहीं लिखेंगे आप, सर्कल नहीं लिखेंगे, डिस्क में यहाँ पे इस तरह से सिंबल दे देंगे, इस तरह से फिल होगा, डी आई एस सी लिख लेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट आर, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, रोमन केस, इस तरह होता है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट लोअर केस, अपर केस एंड रोमन न्यूमरल, या वन टू थ्री बाय डिफॉल्ट होता ही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट आर होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, और डिस्क होता है। डिस्क वाला ये सिंबल, ये होता है बाय डिफॉल्ट, डिस्क ही होता है, याद रखेंगे ये डिस्क होता है बाय डिफॉल्ट। ये डिफरेंस है मेनली यूएल एंड ओएल टाइप का। उसके बाद सेकंड डिफाइन द डेफिनेशन लिस्ट। दिस टाइप्स ऑफ लिस्ट यूज टू ऑर्गेनाइज द आइटम एंड देयर डिस्क्रिप्शन इन द एचटीएमएल वेब पेज। अनलाइक एन ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट, इट इज अ कंटेनर टाइप। वी राइट देयर डिस्क्रिप्शन विथ द हेल्प ऑफ डी टी एंड डी टी टैग रिस्पेक्टिवली। मतलब इस टैग का यूज़ करके आप क्या है, आप एचटीएमएल डेफिनेशन लिस्ट में आप जाकर क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज आइटम को कर सकते हैं वेब पेज पे, या तो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट जो होता है कंटेनर टैग होता, मतलब डीएल जो लिखेंगे, इसका जो शॉर्ट में डीएल जो इसका लिखा जाता है, डेफिनेशन लिस्ट को डीएल लिखा जाता है। ये दो बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कंटेंट्स हो जाएंगे और यहाँ पर डीएल इस तरह से क्लोज कर देंगे। Describe the tags that are used to create a table. Table tag is used to represent data in tabular manner. It is a container tag. मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टैग यूज होता है, डिस्क्राइब करें। सबसे पहले टेबल का डेफिनेशन बता रहा है। इट इज अ कंटेनर टैग। द टेक्स्ट और डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर्मेट लुक मोर ऑर्गेनाइज एंड कैन बी एनालाइज क्विकली एंड ईजिली। टेबल का जो यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम में यूज किया जाता है, जो ऑर्गेनाइज होता है और क्विकली आसानी से समझा भी जा सकता है, एनालाइज भी किया जा सकता है और सर्च भी किया जा सकता है। टी आर टैग, दिस टैग यूज टू क्रिएट अ रो इन अ टेबल। टी आर का जो यूज किया जाता है, ये टेबल के अंदर रो क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये होता है कंटेनर टैग होता है। TS, this tag is used to define the column heading or to display the summarized data in a table. It is a container tag. Also, ये भी क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। TS भी आप जो जब लिखेंगे तो दो बार लिखना पड़ेगा, बीच में कॉन्टेंट्स लिखना होगा आपको। TD, this tag is used to specify the data in the cell of table. ये भी क्या है, टेबल के सेल में आपको क्या करना है, डाटा को स्पेसिफाई करना है। और TD जो होता है, ये भी क्या होता है, इट इज़ ए कंटेनर टैग होता है। आप इसको एक्सप्लेन इस तरह से समझ सकते हैं, ये सपोज द टेबल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सपोज दैट सीरियल नंबर दे दिया गया, और यहाँ पे नेम अगर देते हैं, और यहाँ पे साइंस है और SST है। अब यहाँ पे 1 2 इस तरह से देंगे आप सीरियल नंबर, और नेम में आप ABC दे दिया। साइंस में मान ली 98 है, और इसमें 99 है, और 45 है, और इसमें 33 है, 88 है, और 92 है। इस तरह से आप नंबर फिल, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये भी TR के अंदर ही यूज़ होगा, लेकिन TH के यूज़ करके आप हेडिंग बनाएंगे। ये सीएल नंबर नेम साइंस SST को, लेकिन जब ये वाला जो फिल करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फिल किया हुआ है, डाटा को एंट्री किया हुआ है, मतलब सीएल नंबर देकर 1 2 3 दिया गया, नेम देख यहाँ देख कर नाम लिखा गया सबको, तो यहाँ पे जो नाम एंट्री किया गया और साइंस का मार्क्स एंट्री किया गया, SST का मार्क्स एंट्री किया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब TD के अंदर ही होगा। ये दोनों तीनों रिकॉर्ड जो एंट्री किया गया वो TD के हेल्प करके यूज़ करना है, और यहाँ पे जो यूज़ किया गया वो TH के मदद से करेंगे।
एच के एक आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेबल एक फॉर्मेट बना हुआ देख सकते हैं और उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपको टी एच यूज़ करना है और कहाँ पे टी ए डी का यूज़ करना है और किस जगह पे टी आर का यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हाउ आर द इमेज एडेड इन एचटीएमएल? इफ द इमेज फाइल पिक वन डॉट जे पी जी लाइज इन डायरेक्टली अदर देन द वन इन विच द एचटीएमएल फाइल प्लेस, देन वी कैन रिफर टू द इमेज बाय स्पेसिफाइंग द फुल पाथ ऑफ द फाइल। आप कैसे इमेज को डॉक्यूमेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स के अंदर जो है ये जो यहाँ से यहाँ तक जो इंटर किया गया ये पाथ है, पाथ है। ये जो दिया हुआ है पिक वन दिया हुआ है, ये फाइल ये पिक का नाम है, पिक वन जो है यहाँ पे आपका नाम भी हो सकता है या फोटो, जैसे लोटस का फोटो पिक है तो लोटस नाम होता है, तो यहाँ पे लोटस या कोई भी चीज़ नाम दिया हुआ होगा वो नाम होगा फाइल नेम, इसको यहाँ पे लिख देते हैं फाइल नेम। और ये जेपीजी दिया जा रहा है, ये कौन सा किस टाइप का फोटो है, जेपीजी है पीएनजी है, यहाँ पे डॉट पीएनजी लिखना मस्ट है, अगर ये नहीं देते तो आपका फ़ोटो डिस्प्ले नहीं होगा। ये भी वजह होता है जब आप पाथ और फाइल नेम और पीएनजी किस फॉर्मेट में है आप वो नहीं देते तो फोटो जो है किसी भी ब्राउज़र का यूज़ करके जब उसका व्यूज़ देखते हैं तो डिस्प्ले नहीं होता है। तो यह ध्यान रखेंगे कि इस तरह सभी होना ज़रूरी है। और ये कहाँ से लाएंगे, मान लीजिए फ़ोटो एक लैपटॉप में और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, इस सेट का इस साइड वाला राइट क्लिक करेंगे, रीड क्लिक करने के बाद नीचे में लास्ट में आएगा प्रॉपर्टीज़ जैसे आगे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और डायलॉग बॉक्स ओपन होने यहाँ पे इस तरह का देखिएगा पाथ शो करेगा, इस तरह का पाथ शो करेगा, पाथ को कॉपी कर लेना। ऊपर में देखेंगे नेम लिखा होगा फोटो का नेम, मतलब ये पिक वन लिखा हुआ ना, यहाँ पर कुछ और नाम भी हो सकता है। उसके बाद नीचे में एक और देखेगा जे पी जी या पी एन जी लिखा होगा, तो याद रखें कि जे पी जी रहेगा या पी एन जी रहेगा तो डॉट पी एन जी जे पी जी लिख देंगे यहाँ पे, और उससे पहले डॉट से पहले फाइल नेम दे देंगे इसका, तो आपका फ़ोटो डिस्प्ले हो जाएगा। और ये आपको लिखना ज़रूरी है, इफ द इमेज फाइल पिक जे पी जी फ्लाइज डायरेक्टली अदर देन द वन इन विच द एचटीएमएल फाइल इज प्लेस्ड, देन वी कैन रिफर टू द इमेज बाय स्पेसिफाइंग द फुल पाथ ऑफ द फाइल। फाइल का फुल पाथ देना ज़रूरी है। डिस्क्राइब एनी टू एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग। इमेज टैग के दो एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करना है, समझाना है। दे आर फॉलोइंग टू एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग विद डिस्क्राइबिंग। एक है एस आर सी एट्रीब्यूट्स, जिसको फुल फॉर्म होता है SRC का सोर्स एट्रीब्यूट। दिस SRC एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज ऑन ए वेब पेज। सिंटैक्स है इमेज SRC नेम और पाथ ऑफ द इमेज फाइल। उसके बाद देखेंगे हाइट विथ एट्रीब्यूट, हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द हाइट एंड विथ इन पिक्सल फॉर एन इमेज आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर और परसेंटेज वैल्यू। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, डिस्क्राइब एनी टू एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। इमेज टैग के बारे में सबसे पहले दे आर फॉलोइंग टू एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग विद डिस्क्राइबिंग। फर्स्ट है SRC, SRC का मतलब होता है सोर्स, SRC का मतलब सोर्स होता है। एट्रीब्यूट दिस इन द SRC एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज वेब पेज। सिंटैक्स जैसे यहाँ पर देखेंगे ये दिया हुआ है पाथ देना है, किसी भी इमेज का पाथ देना है, अगर पाथ नहीं देंगे तो जो फोटो आउटपुट में नहीं आएगा। हाइट एंड विथ, जब आप कोई फोटो बनाते हैं तो उसका हाइट और विथ भी सेट कर सकते हैं कि छोटा कितने साइज का होगा, लेंथ और ब्रेथ वो, और वो भी कौन से किस में होगा, पिक्सल में होगा, पिक्सल में डॉट डॉट करके होता है उसको पिक्सल कहा जाता है। फॉर इमेज या तो आप इंटीजर में दे सकते हैं, इंटीजर मतलब नंबर में दे सकते हैं साइज को, या तो आप परसेंटेज वैल्यू में दे सकते हैं, दो तरह से आप दे सकते हैं हाइट और विथ के लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, मतलब उसकी हाइट को सेट करने के लिए आप इंटीजर वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं या तो परसेंटेज वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। ट्राइड द यूज ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट विद एन अनऑर्डर लिस्ट। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुलेट यूज टू मार्क आइटम इन द लिस्ट बाय डिफॉल्ट, इट्स वैल्यू इज दिस फॉर एन अनऑर्डर लिस्ट। सिंटैक्स यूएल टाइप इक्वल टू वैल्यू। उसके बाद आप देखेंगे बुलेट लिस्ट रिजल्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क सर्कल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि
ये यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट विद एन ऑर्डर लिस्ट, एन ऑर्डर लिस्ट के टाइप को यूज किया लिखना है। तो जैसे दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द बुलेट यूज टू मार्क आइटम इन द लिस्ट। बाय डिफॉल्ट जो है वैल्यू डिस से होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। सिंटेक्स जो है यूएल टाइप रखेंगे, और वैल्यू यहाँ पर देने का मतलब है ये वैल्यू देना, ये वैल्यू का मतलब ये नंबर यहाँ पर नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट तो ये डिस होता ही है, लेकिन आपको ये दोनों ही का यूज वैल्यू में एज ए वैल्यू यूज करेंगे तो आपको आउटपुट दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर डिस डिस तो देना नहीं है, डिस के देखे सिंबल इस तरह से होता है, यहाँ पे छूट गया है, डिस इस तरह से फुल होता है, फिल होता है, पूरा सर्कल होता है उसमें फिल होता है। सर्कल में देखें यहाँ पे इस तरह का दिया हुआ है, और उसको एन फील्ड होता है, इसमें फिल नहीं क्या होता है। स्क्वायर में आप देखेंगे इस तरह से स्क्वायर रहता है, लेकिन क्या होता है फिल होता है, ये इस तरह से फिल होता है, ये पूरा स्क्वायर फील्ड होता है। इज ए यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट विद एन ऑर्डर लिस्ट का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। स्टेट द यूज ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट यूज टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ टेबल, मतलब एक टेबल के अंदर जो अपने जो टेबल बना रहे उसको कैसे एक अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके कुछ एनी प्रॉपर्टीज का यूज बताएं, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज बताएं। तो दे आर फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज दैट यूज टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ टेबल, उसमें से दो प्रॉपर्टीज को हम बता रहे हैं जो अपीयरेंस कर सकते हैं, मतलब उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं टेबल को। एक है बॉर्डर प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन स्पेसिफाई द ऑर्डर विथ बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल एंड इट्स सेल। बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को विथ और बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल इस सेल को जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं। उसके बाद है सिंटेक्स जो देख सकते हैं, बॉर्डर है, वैल्यू है, टेबल लेआउट, दिस प्रॉपर्टी यूज टू सेट द लेआउट फॉर ए टेबल, इट इज़ यूज विथ टेबल टाइप। सिंटेक्स है टेबल लेआउट वैल्यू, आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसको कम्प्लीटली बॉर्डर प्रॉपर्टीज है, ले टेबल लेआउट, इस दो प्रॉपर्टी के एक्सप्लेन किए जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट दो ही प्रॉपर्टीज का यूज़ करके आप आंसर लिख सकते हैं, कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज और टेबल लेआउट का आंसर लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और इस दो प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्या करें, एनहांस द अपीयरेंस ऑफ टेबल कर सकते हैं, टेबल के अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी के यूज़ करके, क्योंकि बॉर्डर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर दिया, उसके बाद वैल्यू दिए, यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, वैल्यू देंगे मतलब क्या कलर करना चाहते हैं, कलर भी हो सकता है, और जो भी रहेगा हाइट वेट मतलब नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। टेबल लेआउट यहाँ पर वैल्यू आपको देना है, ठीक है। तो ये आपका था चैप्टर 7 क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 और मोर ऑन एचटीएमएल 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट और अपने स्कूल के जहाँ भी जिस स्कूल से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो अपने स्कूल का नाम हमें ज़रूर बताएं, कि ये यही बुक सेम बुक मेरे भी स्कूल में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि और भी ज़्यादा वीडियो पे बनाने पे फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।